तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ज़बरदस्त ट्रिक के बारे में बात करने वाला हूँ, या फिर यूँ बोले कि एक ज़बरदस्त सेटिंग्स के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपसे मिस्टेक से या फिर गलती से कोई वीडियोस या कोई फ़ोटोज़ वगैरह डिलीट हो जाता है, उड़ जाता है, तो दोस्तों आप उसे ईजिली तरीके से रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों इसे कैसे रिकवर करेंगे अगर आपको जानना है तो ये वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए अपने गैलरी को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से कुछ फ़ोटो को सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर देते हैं ताकि आपको एक प्रूफ के तौर पर दिखा सकूँ। तो चलिए कुछ फ़ोटो सेलेक्ट कर लिए, अब इसे डिलीट कर देते हैं। अब डिलीट हो चुका है। इसे देखने के लिए आपको साइड में आपको दिख रहा होगा एल्बम, आपको उस पर क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं रिसेंटली डिलीटेड का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको देख सकते हैं। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अभी 8 फोटो मैंने वो अभी थोड़ा डिलीट किया था, वो सब यहाँ पे दिखेगा। अब जितने भी वीडियोज या फोटोज़ को डिलीट करेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा, वो हर चीज़ दिखेगा। और एक बात याद रखिएगा, गैलरी से ही डिलीट करना होगा तभी वापस आ सकता है। और दोस्तों ये ओनली 30 दिन के अंदर ही इसे रिकवर कर सकते हैं, 30 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। रिकवर कैसे करेंगे, इस सबको सेलेक्ट करेंगे। सबको सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं रीस्टोर लिखा हुआ है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करना है यहाँ पे आपको बताएगा रीस्टोर 8 फोटोज़, यानी कि जितने भी फ़ोटो सेलेक्टेड रहेगा वो यहाँ पे दिखेगा। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों ये उसी जगह पे जाएगा जहाँ से उड़ गया था, यानी जहाँ से डिलीट हुआ था वही जगह पे रीस्टोर हो जाएगा। तो चलिए फ़ोटोज़ में फिर से क्लिक करते हैं और देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा वही फ़ोटो जो अभी मैंने डिलीट किया था वो यहाँ पे 8 आ चुका है। तो दोस्तों ये छोटी सी ट्रिक जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये बातें भी पता नहीं है। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि ये ट्रिक सभी के मोबाइल में नहीं होता। तो दोस्तों ये जो फीचर है ये अधिकतर ओप्पो के मोबाइल में एंड रियलमी एंड MI के मोबाइल में दिया रहता है, और भी मोबाइल में होगा, बट मैंने सभी मोबाइल में चेक नहीं किया है। तो दोस्तों आप अपने मोबाइल में चेक कर लीजिएगा कि ये ऑप्शन आपके ये फीचर्स आपने दिया है कि नहीं। तो दोस्तों छोटे से वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।